नमस्कार दोस्तों, वास्तु ज्ञान में आपका स्वागत है। कहीं आपका शुक्र कुंडली में गड़बड़ तो नहीं? शुक्र का पूरा मामला क्या है और इसके गड़बड़ होने के परिणाम क्या हैं? इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जानिए कि शुक्र है कौन। अगर हम ज्योतिष की दुनिया की बात करें तो यहाँ पर 9 ग्रहों की बात होती है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति। इसके बाद आता है शुक्र। शुक्र को ज्योतिष में आचार्य भी कहा जाता है, गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से शुक्र दैत्य गुरु है, तो निश्चित रूप से उनके अंदर गुरु होने का सामर्थ्य है, गुरु होने की क्षमता है। शुक्र व्यक्ति को जीवन में सलाह देने का कार्य करता है, व्यक्ति को जीवन में रास्ता दिखाने का कार्य करता है, इसीलिए इसे गुरु भी कहते हैं। दूसरा, आपके जीवन में कैसा भी सुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, खराब हो, कैसा भी सुख हो आपके जीवन में, वो शुक्र से ही आपको प्राप्त होता है। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, बिना शुक्र के जीवन में सुख नहीं आ सकता। तीसरी बात, ये शुक्र का मतलब होता है वैवाहिक जीवन। कलत्र कारक कहते हैं शुक्र को, इसलिए जब कुंडली में शुक्र गड़बड़ हो जाता है तो वैवाहिक जीवन में गड़बड़ी की संभावना बढ़ जाती है। चाहे वो स्त्री हो या वो पुरुष हो, उसके वैवाहिक जीवन में समस्या की संभावना बढ़ जाती है। तो तीन चीजों को शुक्र प्रभावित करता है, एक आपकी मंत्रणा को, आपकी सोच को, आपके विचार को, दूसरा आपके जीवन के सुख को, और तीसरा आपके दाम्पत्य जीवन को। अगर हम शरीर की बात करें तो शरीर में जो रासायनिक सन्निक्रमण है उसके पीछे भी शुक्र की भूमिका होती है। इसके अलावा नेत्रों का, आंखों का मालिक भी शुक्र को मानते हैं, और शुक्र के बहुत गड़बड़ होने पर एक आंख की रोशनी जाती रहती है। तो जिन लोगों की एक आंख में प्रॉब्लम रहती है, एक आंख की रोशनी चली जाती है, उनको समझ जाना चाहिए कि शुक्र गड़बड़ है, शुक्र निश्चित रूप से कमजोर है। अब शुक्र के बेहतर होने के लक्षण क्या है? शुक्र अगर आपका बेहतर होगा, शुक्र अगर आपका अच्छा होगा, तो आपके पास ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम यश होगा, चकाचौंध रहेंगे, बढ़िया कपड़े पहनेंगे, स्टाइल से रहेंगे, अपने आप को बहुत ग्लैमरस बनाने की कोशिश करेंगे, दिखने में चाहे जैसे भी हों, लेकिन अपने आप को ग्लैमरस में डालने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग। बढ़िया पेन रखना, बढ़िया घड़ी लगाना, बढ़िया कपड़े पहनना, ये सब चीजें शुक्र से पैदा होती हैं, क्योंकि वो ग्लैमरस को अट्रैक्ट करता है। और जब शुक्र अच्छा होता है तो व्यक्ति को जीवन में ग्लैमरस मिलता भी है, जीवन में वैभव मिलता है, जीवन में नाम यश मिलता है, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घर, बढ़िया कपड़े, ये सब चीजें व्यक्ति के पास बहुत ही आसानी से पहुंच जाती हैं। जब शुक्र बेहतर होता है तो शुक्र जब बेहतर होता है तो व्यक्ति का पारिवारिक जीवन भी बेहतर होता है। उसकी पति या पत्नी के साथ तालमेल सुंदर होता है, दोनों के बीच में प्रेम बना हुआ होता है। और शुक्र बेहतर हो तो बहुत बार व्यक्ति जिससे प्रेम करता है अक्सर उसी से विवाह कर लेता है, यानी कि उसका प्रेम विवाह भी हो जाता है। शुक्र बेहतर हो तो अपोजिट सेक्स के लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे आप महिला हैं तो पुरुष आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अगर आप पुरुष हैं तो महिला आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। और निश्चित रूप से आपके आकर्षण की जो ताकत है वो नियमित रूप से बढ़ती जाएगी, आप दूसरों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तीसरी बात ये है कि अगर शुक्र कुंडली में बेहतर हो तो व्यक्ति को जीवन में निश्चित रूप से वैभव मिलता है। छोटे से छोटे परिवार में पैदा होकर भी व्यक्ति नाम और यश प्राप्त करता है, व्यक्ति के जीवन में वैभव और ग्लैमरस निश्चित रूप से बना रहता है। मान लीजिए अगर शुक्र कमजोर है, शुक्र के कमजोर होने पर क्या करेंगे? अगर आपका शुक्र कमजोर है, अगर आपका शुक्र गड़बड़ है, दोस्तों जीवन में सुख पाना बहुत ही कठिन होगा। आप लाख प्रयास कर लें, आप बढ़िया गाड़ी खरीदेंगे तो उसमें घूम नहीं पाएंगे, बढ़िया घर बनाएंगे तो उसमें रह नहीं पाएंगे, बढ़िया कपड़े होंगे लेकिन पहन नहीं पाएंगे, यानी जीवन में सारे साधन होने के बावजूद भी आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और रात को जब सोने के लिए जाएंगे तो मन में तमाम तरह की चिंताएं होंगी। अगर शुक्र की स्थिति कुंडली में गड़बड़ है तो शुक्र अगर गड़बड़ होता है तो डायबिटीज की संभावना भी कभी कभी बन जाती है, या आंखों की रोशनी में दिक्कत होने लगती है। खासतौर से एक आंख में रोशनी नहीं रहती है, एक आंख व्यक्ति की बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। शुक्र अगर गड़बड़ हो तो आप वैवाहिक जीवन को ठीक करने के लिए कितना भी प्रयास कर लें, आपके वैवाहिक जीवन में सुधार नहीं होगा। आपके तमाम प्रयास असफल हो जाते हैं, तमाम प्रयास आपके निष्फल हो जाते हैं, और वैवाहिक जीवन में कला कलेश बनी रहती है। हालांकि शुक्र के साथ एक बात ये है, यदि शुक्र कमजोर हो और वैवाहिक जीवन हो तो विवाह चलता रहता है, लेकिन विवाह चलता है कला और कलेश के साथ, बिना तालमेल के, झगड़े लड़ाई के साथ विवाह लंबे समय तक चलता जाता है, उसमें सुख नहीं होता,
उसमें आनंद नहीं होता। शुक्र अगर गड़बड़ होता है तो आदमी लुक वाइज ठीक नहीं होता, उसका चेहरा बहुत अच्छा नहीं होता, उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं होता, उसके कपड़े आदि बहुत अच्छे नहीं होते। कुल मिलाकर उसका जो आकर्षण वाला पार्ट है वो वीक होता है और उसके वीक होने की वजह से व्यक्ति दूसरों को आकर्षित नहीं कर पाता है। अगर आपका शुक्र खराब है, जीवन में सब कुछ है आपके पास लेकिन सुख नहीं है, या जीवन में कोई एक हिस्सा है जहाँ सुख नहीं है, बच्चा अच्छा है, परिवार अच्छा है, पैसा अच्छा है, पति का सुख नहीं है, या पत्नी का सुख नहीं है, या सब अच्छा है शरीर का सुख नहीं है, या सब कुछ ठीक है पर पैसे नहीं आते हैं, यानी कि जीवन का कोई न कोई हिस्सा खाली हो जाता है और जीवन के एक हिस्से से सुख का अभाव हो जाता है, जीवन के एक हिस्से से दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपका शुक्र कमजोर है तो रोज सवेरे उठ करके प्रातः काल शुक्र के मंत्र का जप करें। शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का रोज सवेरे 108 बार जप करने से भी शुक्र बेहतर होता है, शुक्र की मुश्किलें कम हो जाती हैं। दूसरा, चांदी का छल्ला सीधे हाथ के अंगूठे में पहना जाए तो इससे भी शुक्र निश्चित रूप से बेहतर होता है, इससे भी शुक्र को सहायता जरूर मिलती है। तीसरी बात, अगर शुक्र कमजोर है तो ओपल पहनना भी आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप ओपल पहने तो उससे लाभ होने की संभावना आपके लिए बन जाएगी। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।